आज 10 तारीख को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को घोषणा की गया है। हिमाचल की जनता से युवा का कांग्रेस पार्टी करती है, हमारी सरकार आती है, हमें 10 गारंटी हम लागू करेंगे ही। हम वो नहीं है जो जुमलेबाजी करें, चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और चुनाव समाप्त होने के बाद उसे भूल जाए। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अग्निहोत्री जी ने जो बात कही, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, आज बड़ी चर्चा रेवड़ी की हो रही है, उन्हें तो कुछ करने देंगे ही नहीं। जो यहाँ लोक कल्याणकारी योजनाएं जो जारी भी है वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में लोक कल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी है और इस प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब में हमने किया है। मैं आदरणीय सोनिया जी को धन्यवाद देता हूँ, मुझे चीफ ऑफ डेवलपर के रूप में यहाँ नियुक्त किया और देव भूमि में आप सब लोगों से रूढ़ होने का अवसर मिला है, कुछ अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब चुनाव 2018 में जब चल रहे थे, उस समय राहुल जी ने वहाँ के किसानों से, वहाँ के आदिवासियों से, वहाँ के नौजवानों से वादे किए थे, ग्रामीणों से वादे किए थे। उन्होंने मुझे 10 दिन का समय दिया था, यदि हमारी सरकार बने तो 10 दिन के भीतर ही किसानों के लिए माफ हो। हमने 10 दिन नहीं लगाया, सब चीज हमने वर्कआउट करके रखा था और 2 घंटे के भीतर में राहुल जी हम लोगों को सफर हमारे शपथ ग्रहण समारोह में थे, वो दिल्ली के लिए निकले और हम लोग एयरपोर्ट से मंत्रालय गए, वो दिल्ली पहुंच नहीं पाए थे और 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का पैसा मिल गया। केंद्र सरकार ने अंदा लगाया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू कर दी। आज 26 लाख किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपये हर साल हम लोग इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वहां के किसानों के आय में वृद्धि हुई। बताने का मतलब ये है कि हमने वहां कहा था कि 200-400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा, जैसे कि मुकेश जी कह रहे हैं 125 से 126 हो गया, तो पूरा 126 का पैसा लेंगे, जबकि हमारे यहाँ एक गरीब आदमी से लेकर मुख्य चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक के घरों में यदि बिजली बिल आ रहा है, उसमें 400 यूनिट तक सबका बिजली बिल आधा हमारे छत्तीसगढ़ में। यहाँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये गारंटी दी है कि 300 यूनिट तक की बिजली बिल हम मुफ्त देंगे। इसका मतलब हमने तैयारी कर रखी है। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे कि जो वादा जनता से करें, तो पिछले जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो वादा करते हैं वो जाते हैं, उस प्रकार से नहीं करना, हम जो कहें वो करें। ये लोगों को विश्वास होना चाहिए, कांग्रेस पर विश्वास होना चाहिए और इसलिए एक एक बिंदु पर, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे हमारे शुक्ला जी हो और हम सब साथी दो दो बार बैठे, मैं तो दिल्ली भी बैठा था साथ में, फिर यहाँ भी आया। इसके पहले अभी जिस प्रकार से सुकुमार जी ने जो बताया कि अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा की गई और ये जो गारंटी जो दिए हैं वो यहाँ की जनता की डिमांड भी है, यहाँ की आवश्यकता भी है और यहाँ के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है और इसलिए इन सब चीजों के लिए ये गारंटी दी गई है। आज केंद्र सरकार ने जो महंगाई थोपी है आम जनता पर, पूरे देश की जनता पर, चाहे पेट्रोलियम हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद हो, इस सब में जिस प्रकार से लोगों के जेब में पर्स में सक्षम पैसा लगा है और सब खींचने में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार है या हमारी पार्टी है लोगों की जेब में पैसा डालने का, आय कैसे बढ़े हमारी चिंता ये है, चाहे वो बागवान हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो, व्यापारी हो, उसके आय में वृद्धि किस प्रकार से हो। और यही कारण है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। सभी वर्गों के लिए हमने योजनाएं बनाई,
मंदी का कोई असर, महंगाई का कोई असर, इतनी महंगाई है उसके बावजूद भी हमारे बाजार में रौनक है, तो उसका कारण यही है कि हमारे नेता सोनिया जी और राहुल जी ने जो बात कही थी कि लोगों का आय में वृद्धि होनी चाहिए, राज्य के खजाने में सबका हक होना चाहिए, कुछ लोगों के चुनिंदा लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, राज्य के खजाने में सबका हक होना चाहिए। और इसलिए बहुत सोच समझ ये 10 गारंटी हमने दिया, जिस प्रकार से सुखपुर जी ने जो बात कही कि गोबर खरीदने की योजना, ये तो गाय के नाम से वोट मांगने वाले लोग हैं भाजपा के, लेकिन गाय की सेवा कभी नहीं की, मवेशियों की सेवा कभी नहीं की हम लोगों ने की, और उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में आपने देखा किस प्रकार से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की व्यवस्था थी, गोबर से हम वो काट भी बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गमला बना रहे, दिया बना रहे, अब पेंट भी बना रहे हैं, हमारे रायपुर नगर के उसका बिल्डिंग सबसे पहले पेंटिंग हुई थी जो कार्यालय है, अब उसे सारे कार्यालयों में प्राकृतिक पेंट है उसे हम करवाएंगे, तो लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये सारी योजनाएं हमारे पास। अब तो बिजली उत्पादन भी गोबर से कर रहे हैं, भाभा टावर किसान सेंटर से हमारा एलयू हो चुका है, हम बिजली उत्पादन करके गोबर से बता भी चुके हैं पिछले 2 अक्टूबर को हमने किया, अब उसे व्यापक पैमाने पर हर गांव में उसको बिजली उत्पादन हम करेंगे। तो एक तरफ तो जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ कोयला है, आपके यहाँ वाटरफॉल है, पानी है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहाँ थर्मल पावर है, तो जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। किसी ने 30 यूनिट तक बिजली बिल मुक्त करने की जो बात कही गई वो यही बात है। पुरानी पेंशन के बारे में अभी मुकेश जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे, हम अपना अधिकार और हक मांगते हैं, तो भीख नहीं मांग रहे। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की छत्तीसगढ़ सरकार के जो अंशदान और 2004 से लेकर अब तक के 17,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जमा, 17,000 करोड़ रुपया हम उसे वापस मांग रहे हैं, उसको भीख नहीं मांग रहे, वो हमारा हक है, हमारा पैसा है, हमारे श्रमिकों का पैसा है, हमारे कर्मचारियों का पैसा है, उसको हम मांग रहे हैं, और नहीं देते हमको लेना भी आता है और लेंगे। अब राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड, बहुत सारे राज्य हैं इस प्रकार से प्रस्ताव पारित किए और इस कर्मचारियों का पैसा है, एग्रीमेंट हुआ है और उसके आधार पर हम लोग ले लेंगे, ये बात मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो सारे जो गारंटी है, ऐसी कोई गारंटी हम, ऐसा कोई वादा हिमाचल की जनता से नहीं करें जिसे हम पूरा ना कर सकें। आप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात है, एक विधानसभा में 10 करोड़ 68 विधानसभा है, 680 करोड़ की राशि रखी गई है जिसमें गांव के नौजवान और नवयुवतियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो 5 लाख रोजगार पाएगा, ये जो है उसकी सप्लीमेंट्री के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, नीतियां हैं और उन नीतियों का कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सारी योजनाएं जो आम जनता से हमने किया था, स्वास्थ्य योजना राजस्थान में सबसे बढ़िया चल रहा है, 10 लाख तक हर परिवार को वहां इलाज के लिए मुफ्त दिया जा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि जंगल हमारे यहाँ दूर दूर पसाट है, आपके यहाँ पहाड़ ज्यादा है, हमारे पहाड़ कम है लेकिन जंगल है, 44% हमारे यहाँ भी जंगल है, दूर दूर निवास करते हैं, हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, वो गाँव में जाते हैं और वहाँ पूरे डॉक्टर स्टाफ, पूरे नर्स और दवाइयाँ सब मुफ्त, उस सब 40 प्रकार की जाँच हम करा रहे हैं, तो सब प्रकार की जाँच, और फिर श्री धन्वंतरी योजना हमने लागू की जो 50 से 72% तक के जो दवाई ब्रांडेड कंपनी की जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती मिल रही है, लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, तो इस प्रकार से सस्ता इलाज भी, रोजगार के भी, शिक्षा, आज शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली वाले बहुत अल्लाह करते हैं, आइए छत्तीसगढ़ हम दिखाते हैं, हमने 279 स्कूल शुरू किया, 400 स्कूल और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने वाले हैं, 279 हमारा रन कर रहा है, और गरीब से गरीब परिवार के बच्चे, किसान के बच्चे, मध्यम श्रेणी के बच्चे, सब लोग सबको मुफ्त में उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।